Dear students, let's come to continue the reading of determiners. Today's determiners is demonstrative and possessive. Demonstrative, this, plural, these का plural क्या होता है? These, that plural, those. और that का plural क्या होता है? Those are called demonstrative. ये दोनों ही कौन से determiners होते हैं? Demonstrative. दिस हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जब थिंग या कोई पर्सन स्पीकर के पास होता है, नियर होता है, उसके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं. अगर वो स्पीकर से ज़्यादा दूर है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? दैट का. दे कैन बी यूज बोथ एज एडजेक्टिव एंड एज प्रोनाउन. और ये एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ होते हैं और प्रोनाउन के यूज़ में भी. दे पॉइंट टू वर्ड्स समथिंग और समवन. और ये पॉइंट करते हैं किसी वस्तु या व्यक्ति की तरफ. दे आंसर्स द क्वेश्चन. और वो ये आंसर देते हैं किसका? विच वन, यानी कि कौन सा. दिस इज माई पेन. यहाँ पर जो दिस है वो क्या है? प्रोनाउन. दिस पेन इज माइन. यहाँ पर दिस किसके रूप में यूज हुआ है? एडजेक्टिव के. हेयर दिस इज एडजेक्टिव. वी क्लियर द कंसेप्ट ऑफ प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव. दिस का प्लूरल, दिस किसके लिए होता है? जो थिंग या पर्सन स्पीकर के अगर नियर होता है तो उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं. और दैट का प्लूरल क्या होता है? दोज. दैट का भी यूज करते हैं जब कोई थिंग या पर्सन स्पीकर के से ज़्यादा दूर हो तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? दैट का. प्रोनाउन वी यूज बोथ ऑफ दिस एज एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन. प्रोनाउन व्हाट इज प्रोनाउन? अ वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं. लाइक कौन कौन से? आई, वी, अवर, दे, देयर, देम, एक्सेट्रा. ये सभी क्या हमारे? प्रोनाउन. एडजेक्टिव क्या होता है? अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन. नाउन और प्रोनाउन. और एडजेक्टिव क्या होता है? जो संज्ञा. नाउन क्या होता है? हमारा संज्ञा. और प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम. जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण. लाइक जैसे माय बैग, हिज बुक, ये सभी क्या है हमारे? एडजेक्टिव. हेयर माय एंड हिज इज क्या है? एडजेक्टिव. वी क्लियर दिस कंसेप्ट दिस एंड दैट कि कब दिस प्रोनाउन होगा और कब दैट एडजेक्टिव या प्रोनाउन होगा. वी टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल. दिस इज माई पेन. हेयर दिस के बाद क्या हुआ? क्या आया हुआ है? हेल्पिंग वर्ब. तो यहाँ पर दिस क्या होगा? प्रोनाउन. अगर दिस नाउन के साथ आते हैं तो हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव. लाइक दिस पेन इज माइन. यहाँ पर दिस किसके केस में? एडजेक्टिव के. एडजेक्टिव वर्ड वो हमेशा से ही किसके साथ आते हैं? नाउन के साथ.
दैट दीज या फिर दोज प्लस कोई भी नाउन हो तो कौन सा केस होगा हमारा एडजेक्टिव. इट्स क्लियर. लेट्स कंटिन्यू द रीडिंग. दीज आर मेयर एक्सक्यूजेस. यहाँ पर दीज के बाद क्या आया है हेल्पिंग वर्ब तो ये क्या है प्रोनाउन. दीज बॉयज दीज के साथ क्या आया है बॉयज. बॉयज क्या एक नाउन है तो ये कौन सा केस होगा हमारा एडजेक्टिव. दैट वॉज रूड बिहेवियर ऑन योर पार्ट. यहाँ पर दैट के बाद क्या आई है हेल्पिंग वर्ब तो ये कौन सा केस है प्रोनाउन. वट इज दैट नॉइस. यहाँ पर नाउन के साथ है तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव. दोज आर माई ड्रेसेस. दोज के बाद हेल्पिंग वर्ब है कोई नाउन नहीं है तो किसका तो ये कौन सा केस होगा इसका प्रोनाउन. दोज हाउसेज आर फॉर सेल. हाउसेज नाउन है ये कौन सा हो जाएगा एडजेक्टिव. दिस प्लूरल दिस रेफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स नियर द स्पीकर. दिस किसके लिए यूज होगा दो जो थिंक या पर्सन स्पीकर के पास है उसके लिए हम दिस का यूज करेंगे. अगर वो प्लूरल है यानी कि बहुत ज़्यादा उसकी संख्या है तो हम किसका यूज करेंगे दिस का. लुक द एग्जाम्पल्स. दिस बिल्डिंग इज वेरी टल. यहाँ पर क्या है ये प्लूरल सॉरी सिंगुलर है तो हम किसका यूज कर रहे हैं दिस का. दिस गारमेंट्स आर प्रेटी. अभी यहाँ पर कौन सा जो वर्ड है वो सिंगुलर है या प्लूरल. यहाँ पर प्लूरल आया है तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे दिस के प्लूरल वर्ड का जो क्या होता है दिस गारमेंट्स आर प्रेटी. इट्स क्लियर. दैट प्लूरल दोज. दैट का प्लूरल क्या होता है दोज. रेफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स फार फ्रॉम द स्पीकर. जो स्पीकर से फार होते हैं दूर होते हैं उसके लिए हम किसका यूज करते हैं दैट का. लुक द एग्जाम्पल्स. गेट दैट मंकी आउट ऑफ द कंपाउंड. हेयर नाउन इज सिंगुलर सो वी यूज द दैट. दोज फार्म लैंड्स आर फॉर सेल. हेयर नाउन इज प्लूरल सो वी यूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ दैट दोज. दैट प्लूरल दोज इज यूज टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ द प्रीसीडिंग नाउन. कई बार हम जो दैट है उसका यूज नाउन की रिपीटिशन को कम करने के लिए भी यूज करते हैं. लाइक माई साइकिल इज बेटर देन दैट ऑफ माई ब्रदर. यहाँ पर जो कंपेरिजन हुई है वो किसकी हुई है साइकिल की. माई साइकिल इज बेटर. मेरी साइकिल है वो ज़्यादा अच्छी है देन किससे दैट. दैट किसके लिए यूज हुआ है माई साइकिल के लिए. माई साइकिल ऑफ माई ब्रदर. इट मीन्स मेरी साइकिल मेरे भाई की साइकिल से ज़्यादा अच्छी है. अवर लेबोरेटरीज आर बेटर इक्विप्ड देन दोज ऑफ मॉडर्न स्कूल्स. यहाँ पर जो कंपेरिजन किस में है लेबोरेटरीज में दोज ऑफ मॉडर्न स्कूल्स. दोज किसके लिए यूज हुआ लेबोरेटरी के लिए. व्हेन टू थिंग्स मेंशनड इन द प्रिंसिपल क्लास. जब दो थिंग को प्रिंसिपल क्लास में मेंशन किया जाए आर रिपीटेड इन द सबॉर्डिनेट क्लोज. अगर वो सबॉर्डिनेट क्लोज में दोबारा से रिपीट हो तो दिस पॉइंट टू द लास्ट थिंग. तो दिस लास्ट थिंग के लिए आएगा और दैट टू द अर्लियर थिंग. लुक द एग्जाम्पल. बोथ फ्रूट एंड पल्सिस आर गुड फॉर हेल्थ. दिस अ लिटल बेटर देन दैट. यहाँ पर दिस फ्रूट के लिए यूज हुए हैं और दैट पल्सिस के लिए. पजेसिव डिटरमिनर्स. पजेसिव डिटरमिनर्स कौन से होते हैं जो रिलेशन को दिखाते हैं या जिन्स पर हम अपने राइट्स की या हक की बात करते हैं. दिस कॉल्ड पजेसिव डिटरमिनर्स. आ पजेसिव इज अ वर्ड. ये वो वर्ड है दैट शोज दैट अ सर्टेन थिंग और पर्सन बिलोंग्स टू समबडी और समथिंग. जहाँ पर हमें किसी थिंग या पर्सन का रिलेशन दिखाना होता है समबडी किसी व्यक्ति से या फिर थिंग से. द वर्ड्स माई योर हीज हर इट अवर देयर आर पजेसिव. ये सभी कौन से वर्ड हैं पजेसिव डिटरमिनर्स. दे फंक्शंस एज एडजेक्टिव और ये भी वर्क करते हैं एडजेक्टिव का भी और प्रोनाउन का भी. व्हेन प्लेस्ड बिफोर नाउन और जब नाउन से पहले आए तो दे क्वालिफाई देम एज नाउन. तो हम उन्हें
कैसे क्वालिफाई करते हैं, किस रूप में क्वालिफाई करते हैं एडजेक्टिव. बिफोर लुक एट द एग्जाम्पल्स प्लीज रिमेमराइज द टेब दिस टेबल. पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, ये क्या होते हैं, हमारे सब्जेक्टिव वर्ड होते हैं जिससे हम किसी सब्जेक्ट को शो करते हैं. आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे. आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या होता है, माई, प्रोनाउन माइन. यू, योर, योर्स. ही, हिज, हिज. शी, हर, हर्स. इट, इट्स. वी, अवर, अवर्स. दे, देयर, देयर्स. ये सभी जो सब्जेक्ट्स हैं या पर्सनल प्रोनाउन है, इनके अपने अलग अलग पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन होते हैं. नाउ लुक एट द एग्जांपल्स. आई मस्ट डू माय वर्क. आई के साथ जो कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, माय. आई, माय. लुक हियर, आई, माय. वी मस्ट डू अवर वर्क. वी का जो पजेसिव है एडजेक्टिव कौन सा होता है, अवर. यू मस्ट डू योर वर्क. यू का एडजेक्टिव क्या होगा, योर. दे मस्ट डू देयर वर्क. दे का देयर. ही मस्ट डू हिज वर्क. ही का हिज. शी मस्ट डू हर वर्क. शी का हर. इट एन इंस्टीट्यूशन और डिपार्टमेंट मस्ट डू इट्स वर्क. इट का जो पजेसिव है वो क्या होता है, इट्स. डू नॉट यूज एनी अपोस्ट्रॉफ विद दिस पजेसिव एडजेक्टिव्स. इन सभी पजेसिव एडजेक्टिव के साथ अपोस्ट्रॉफ एस का यूज नहीं किया जाता. द ओनली एक्सेप्शन इज द प्रोनाउन वन विच टेक्स एन अपोस्ट्रॉफ. इसमें सिर्फ एक ही ऐसा है जो अपोस्ट्रॉफ एस को लेके चलता है और वो क्या है, इट्स. वन विच टेक्स एन अपोस्ट्रॉफ एस टू फॉर्म इट्स पजेसिव एडजेक्टिव. केयरफुली स्टडी द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस. दिस इज माई कार, यह मेरी कार है. दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है. दोनों का है जो मीनिंग होता है, दोनों ही सेंटेंस का एक ही मीनिंग है, लेकिन लिखने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है. ये किस केस में, एडजेक्टिव के केस में, और ये कौन सा केस है, हमारा प्रोनाउन केस. इट्स योर बैग. दिस बैग इज योर्स. इट्स अवर ट्रॉफी नाउ. द ट्रॉफी इज अवर्स नाउ. दीज आर हर फ्लावर्स. एडजेक्टिव. दीज फ्लावर्स आर हर्स. प्रोनाउन. दीज आर देयर बॉक्सेस. एडजेक्टिव. दीज बॉक्सेस आर देयर्स. प्रोनाउन. दिस इज हिज चेयर. एडजेक्टिव. दिस चेयर इज हिज. ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन. द वर्ड्स माइन, योर्स, अवर्स, हर्स, हिज एंड देयर्स आर कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन. वो क्या है, पजेसिव प्रोनाउन. ये सभी दे कन्वे द सेम मीनिंग एज द पजेसिव एडजेक्टिव. वो सेम मीनिंग ही कन्वे करते हैं. हाउएवर पजेसिव एडजेक्टिव कम बिफोर द नाउन. जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले आता है. लुक एट द एग्जांपल्स. जैसे हर फ्लावर, इन सभी के साथ क्या आया हुआ है, एडजेक्टिव. माय कार, योर बैग, अवर ट्रॉफी, देयर बॉक्सेस, हिज चेयर. दे रेफर टू एंड पजेसिव प्रोनाउन आर प्लेस्ड आफ्टर द नाउन्स. और जो पजेसिव प्रोनाउन है वो किसके बाद आते हैं, नाउन्स के बाद. जैसे दिस कार इज माइन, ये किसके बाद आए हुए हैं, नाउन के बाद. जैसे दिस कार इज माइन, यहाँ पर जो माइन है वो क्या है, हमारा प्रोनाउन. दिस बैग इज योर्स, यहाँ पर हमारा नाउन है और ये क्या है, प्रोनाउन. ट्रॉफी अवर नाउ, अवर्स प्रोनाउन हो जाएगा. दिस फ्लावर्स नाउन है, फ्लावर्स नाउन है, और हर्स प्रोनाउन. दिस बॉक्सेस नाउन, देयर्स प्रोनाउन. दिस चेयर, यहाँ पर चेयर नाउन है और हिज प्रोनाउन. देयरफॉर अवॉइड द फ्लोइंग एरर्स. दिस इज माइन पेन. हम कभी भी ऐसे राइट नहीं करेंगे
कि दिस इज हेल्पिंग वर्ब के बाद कभी प्रोनाउन का यूज नहीं होगा, वो किसके बाद यूज होता है प्रोनाउन का, नाउन के बाद। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, दिस पेन इज माइन, या फिर दिस इज माई पेन। We can correct the above sentence in the following two ways: this is my pen or this pen is mine. I hope you understand the demonstrative and possessive determiners. Please do the classroom assignment 41. Thank you.